नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? होप गाइस सारे बढ़िया होंगे। मैं आलिया शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ट्राई सिटी हाउस में। दोस्तों आज हम आए हैं सन इनक्लेव सेक्टर 125 में आपके लिए सुपर लग्जरी 250 गज का घर लेकर, जिसकी डायमेंशन रहेगी 30x75 की। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में आपको सारी डेली न्यू शॉप्स मिल जाएंगी, स्कूल, टेम्पल, गुरुद्वारा साहिब, हॉस्पिटल्स, मेडिकल, सारा कुछ जो है बिल्कुल आपको नियर बाय मिल जाएगा। गोपाल स्वीट यहाँ से जो हार्डली 2 मिनट के ड्राइव में है, वीआर मॉल हार्डली 5 to 6 मिनट के ड्राइव में है, और जो सीपी मॉल है वो हार्डली 15 से 16 मिनट के ड्राइव में है। लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम है, फुली रेजिडेंशियल एरिया में दोस्तों आज का ये खूबसूरत घर रहने वाला है। सो, बिना टाइम गवाए मैं आपको इस प्यारे से घर का टूर करवाना चाहूँगी, आइए। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दोस्तों, ये रहेगा हमारे घर का एलिवेशन, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों हमारे घर का जो है ये एलिवेशन रहने वाला है, देखिए। और अभी कुछ काम है जो इसमें पेंडिंग है, अभी ग्रिलिंग वगैरह जो ग्लास वर्क है वो अभी नहीं लगा है इसमें। बहुत ही प्यारा यहाँ पे आयरन वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा टाइलिंग वर्क किया गया है, टाइल लगा रखी है बाहर ताकि आपका जो एलिवेशन है वो लाइफ टाइम सेम रहे। बाकी घर के बाहर आपको 2 गाड़ियों की स्पेस मिल रही है पार्किंग के लिए, और घर के अंदर भी आपको 2 बड़ी गाड़ी पार्क करने के लिए स्पेस मिल रही है। स्लाइडर दोस्तों आपको गेट मिल रहा है यहाँ पे, और जो फ्रंट पे है हमने टेक्सचर भी किया हुआ है, वॉल पे एलईडी लाइट्स आपको मिल रही है, और ऊपर भी बहुत ही प्यारा जो है वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं घर के अंदर की तरफ, आइए। तो गाइस यहाँ पे देखिए बहुत ह्यूज स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। इस साइड जो है हमने स्टोरेज की स्पेस दे रखी है, ऊपर बहुत ही प्यारा जो है वुडन वर्क किया गया है, बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस साइड भी जैसे आपको वाटर स्टोरेज टैंक मिल रहा है, और प्रॉपर आपको टैप्स वगैरह के प्रोविजन भी दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है। पूरे घर में जो कैमराज है हम वो आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। सो बढ़ते हैं घर के अंदर, 2 स्टेप में हमारी एंट्री रहेगी। अभी देखो मैश डोर भी है, वो भी जो प्रॉपर अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी इसमें मैश जो है वो लगनी है, जो अभी जाली है वो प्रॉपर अभी यहाँ पे लगनी है। ये रहेगी मेन एंट्री, ये आ जाएगा हमारा मेन डोर। मेन डोर भी काफ़ी अच्छी हाइट में आप देख सकते हो मिल रहा है, प्रॉपर यहाँ पे स्मार्ट लॉक आपको मिल रहा है। एंट्री करते ही बहुत ही प्यारी जो है आपको वेलकम वॉल मिल रही है, बिल्कुल मेरी लेफ्ट साइड देखिए, बहुत ही खूबसूरत वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर फॉल सीलिंग वर्क बहुत ही प्यारा किया गया है। अब बढ़ते हैं हम अपना लिविंग एरिया की तरफ आ जाते हैं हम। ये देखिए बहुत ही स्पेस जहाँ पे आपको मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत जहाँ पे आपको लाइटिंग वर्क दोस्तों मिल जाएगा, प्रोफाइल लाइट यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल रही है, फॉल सीलिंग वर्क बहुत खूबसूरत मिल रहा है, और वॉल पे आपको बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग मिल रही है। प्रॉपर हमने यहाँ पे वुडन की पार्टीशन कर रखी है, यहाँ पे जैसे अपने सेंटर में कोई भी डेकोरेशन आइटम वगैरह रखनी हो आप वो रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम डाइनिंग एरिया की तरफ, बहुत ही खूबसूरत जहाँ पे डिजाइनिंग की, ऊपर फॉल सीलिंग देखिए, शैंडेलियर देखिए, बहुत ही जो अमेजिंग दिख रहा है। मेरे राइट साइड देखिए, इस साइड अभी प्रॉपर जो है सिंक वगैरह आपका लग रहा है हैंड वॉश के लिए, प्रॉपर हमने यहाँ पे जो है ग्लास वर्क किया हुआ, स्टोरेज की बहुत ह्यूज स्पेस दी हुई है। मोस्टली स्टेयर्स के नीचे समझ में नहीं आता कि स्पेस क्या आपको दे रहे हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर हमने जो है आपको स्टोरेज की स्पेस दे रखी है। डबल हाइटर जो है आपको प्रॉपर ऊपर तक जो है ये रूफ मिल रहा है यहाँ पे, आइए। ये सामने भी बहुत प्यारी डिजाइनिंग आपको मिल रही है जहाँ पे हमने ग्लास वर्क किया है, और नीचे जो है हमने बहुत ही प्यारे जो है कैबिनेट्स बना रखे हैं। अब बढ़ते हैं, वैसे तो दोस्तों देखो वो हमारा जो था वो ड्राइंग एरिया आ गया, ये फैमिली लॉन्ज एरिया आ गया, और इस साइड आप अपना डाइनिंग बना सकते हैं। इस साइड भी जो है वॉल पे बहुत ही प्यारा ग्लास वर्क आपको मिल रहा है, प्रॉपर यहाँ पे कैबिनेट्स बनाए गए हैं। इस साइड जो है प्रॉपर क्रॉकरी पैनल आपका बनाया गया है, प्रॉपर वुडन की पार्टीशन आपको मिल रही है, बहुत ही प्यारा शैंडेलियर मिल रहा है, और इस साइड जो है वॉल पे आपको पीओपी और आपको जो है अपना वॉलपेपर का काम देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं किचन की तरफ, किचन आपको बहुत ही ह्यूज स्पेस में मिल रहा है दोस्तों, और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमने यूज़ की हुई है किचन में। प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर आपको यहाँ पे फिटिंग मिल जाएगी, प्रॉपर हम हिंदवेयर की हॉब और चिमनी जो है हम आपको लगा के दे रहे हैं, लाइफ टाइम वारंटी वाली, और सारी जो है टच से चलेगी ये। इस साइड जो है आपको डबल बाउल सिंक मिल जाएगा, साउंड प्रूफ रहेगा, और सारी जो फिटिंग है सारी सॉफ्ट क्लोजर मिलेगी, और बहुत अच्छी ह्यूज स्पेस के साथ इवन स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। इस साइड ओटीजी ओवन आ जाएगा आपको दोस्तों, और ये आ जाएगी आपकी पेंट्री, ये देखिए ये अपनी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस दे रखी है आपको, आइए। ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहे हैं आपको 2 बेडरूम दोस्तों, आइए। ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत बेड बैक मिल रही है, पीओपी वर्क मिल रहा है, और वार्डरोब्स आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, बहुत यूनिक सी डिजाइनिंग यहाँ पे दे रखी है, ये देखिए, और बहुत अच्छा जो है वुडन की क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। पूरी वॉल पे लाइक जो है हमने कवर किया हुआ है, ये जो वार्डरोब्स है। इस साइड आपका टीवी पैनल आ जाएगा, और इस साइड भी आपको वॉकिंग क्लोसेट मिल रहा है वॉशरूम के बिल्कुल साथ,
जिसमें हमने अंदर जो है प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। इस साइड मिरर आ जाएगा, ये ड्रेसिंग एरिया आ गया आपका, और नीचे भी जो है बहुत अच्छी यूज स्पेस मिल रही है। वॉशरूम में अभी जो फिटिंग्स वगैरह वो हमने नहीं लगाई है, अभी सैनिटरी आपकी पेंडिंग है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे टाइल वर्क मिल रहा है, फुल हाइटेड रहेगा, और इवन ऊपर जो है हमने प्रोफाइल लाइट लगा रखी है और LED लाइट लगा रखी है। इस रूम के साथ आपको मिल रहा है बैकयार्ड स्पेस, बहुत ही स्पेशियस। मोस्टली घरों में क्या होता है कि बैकयार्ड स्पेस ना बहुत कम मिलता है, बट इस घर में आपको फ्रंट में तो स्पेस मिल रहा है, बट बैक पे भी बहुत ही स्पेस मिल रहा है, और इवन हमने पूरा कवर किया हुआ। आप देखिए प्रॉपर आपको प्राइवेसी इस घर में मिलेगी, और टैप्स वगैरह का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे हमने। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड बेडरूम की तरफ। सो दोस्तों ये रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम, इसकी भी थीम है जो वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग वाइब आपको इस रूम में मिलने वाली, बहुत प्यारा। यहाँ पे आपको मिल रहा है बेड बैक एरिया, बहुत ही खूबसूरत आपको मिल रहा है POP वर्क। इस साइड जो है आपके वार्डरोब्स आ जाएंगे, फुल हाइटर जो रहेंगे स्लाइडर, और ये आ जाएगा हमारा TV पैनल इस साइड, और ये रहेगा हमारा ड्रेसिंग एरिया जिसमें नीचे आप लाइक अपने कोई भी मेकअप वगैरह का सामान रखना वो रख सकते हैं। और पोर्सेलेन बहुत खूबसूरत आपको दोस्तों यहाँ पे मिल रही है, इवन जो फैंस वगैरह देख रहे हो जैसा आप घर देख रहे हो सेम एज इट इज आपको मिलने वाला है। इस रूम के साथ भी जो मिल रहा है आपको अटैच वॉशरूम, देखिए इतना मतलब स्पेशियस आपको वॉशरूम मिल रहा है, जैसे किड्स रूम होता है वैसा ही स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है। LED लाइट्स आपको यहाँ पे मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क मिल रहा है। इस साइड देखो ब्लैक एंड व्हाइट टाइल है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सो गाइज ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, अब मैं दिखाना चाहूँगी आपको फर्स्ट फ्लोर। डुप्लेक्स ये हाउस रहेगा, अंदर से आपको यहाँ पे स्टेयर्स मिलने वाली है, प्रॉपर ग्रेनाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है, वॉल पे बहुत ही प्यारा आपको वर्क देखने को दोस्तों मिल जाएगा, और ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है आपको शैंडिलियर मिल रहा है। तो अभी जो स्टेयर्स है उस पर हमारी रेलिंग लगना पेंडिंग है, वॉल्स पे आप देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत आपको वर्क मिला, बहुत ही खूबसूरत आपको शैंडिलियर मिल रहा है। इस फ्लोर पे भी आपको जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे मिल रहे हैं आपको दो बेडरूम, ये रहेगा हमारा थर्ड बेडरूम जिसमें आपको मिल रहा है TV पैनल, बहुत ही प्यारा वॉल पे जो है आपको POP वर्क मिलेगा, अभी इसमें जो है पेंट पेंडिंग है, और इस साइड आ जाएंगे फुल हाइटेड वार्डरोब्स। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी वॉकिंग क्लोसेट, इस साइड आ जाएगा राइट साइड मेरी वॉकिंग क्लोसेट, और लेफ्ट साइड रहेगा आपका ड्रेसिंग एरिया, और ये आ जाएगा हमारा बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम जहाँ पे अभी हमारा काम पेंडिंग है। यहाँ पे हम प्रॉपर गजीबो आपको बना के देंगे, बहुत ही बढ़िया वाइब जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस घर में। दोस्तों इस रूम के साथ आपको बहुत ही स्पेशियस मिल रही है बालकनी, ये देखिए ये बहुत ही स्पेशियस जो है आपको बालकनी मिल जाएगी, प्रॉपर यहाँ पे आयरन वर्क किया गया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, झूला वगैरह लगा सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, गमले वगैरह लगा सकते हैं, और वॉल्स पे आप देख लीजिए टाइल वर्क आपको बहुत ही खूबसूरत मिल रहा है, और ऊपर जो है हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाएगी। आइए तो गाइस इस रूम के बाद मैं दिखाना चाहूँगी आपको पूजा स्पेस। मोस्टली घरों में क्या होता है, बड़े घरों में पूजा स्पेस कोई ना कोई छोड़ देता है, बट यहाँ पे आपको पूजा स्पेस मिल रहा है, प्रॉपर जो है हम डिज़ाइन कर रहे हैं प्रॉपर, यहाँ पे आपको छोटे से हमने कैबिनेट्स भी बना के दिए हुए हैं, LED लाइट्स आपको यहाँ पे लगा के दी हुई है, और इस साइड भी अभी जो रेलिंग है ना वो लगना बाकी है। सेम इस साइड हमने कैबिनेट्स बना दिए आपके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत जो है आपको फॉल्सलिंग वॉक मिल रहा है विद LED लाइट्स, और यहाँ पे मिल रही है आपको छोटी सी पेंट्री, दो फैमिली के लिए बहुत ही इनफ है। लाइक नीचे तो आपको किचन मिल रही है, ऊपर भी आपको एक बहुत ही स्पेशियस किचन मिल रही है, बैक साइड जो है आपको प्रॉपर रूफ मिल रहा है। ये एरिया मैं आपको थोड़ी देर बाद कवर करवाती हूँ, पहले मैं जो हमारा नेक्स्ट वाला बेडरूम है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये आ जाएगा हमारा फोर्थ बेडरूम, ये देख लीजिए वॉल पे बहुत ही प्यारा जो है वॉलपेपर आपको मिल रहा है, फुल हाइटेड आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल रहे हैं, फॉल सीलिंग वर्क मिल रहा है, टीवी पैनल मिल रहा है, और अटैच आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रहा है, और ये रहेगा हमारा वॉकिंग क्लोसेट, सॉरी ये आ जाएगा हमारा ड्रेसिंग एरिया। तो गाइज ये एरिया देखो, ग्राउंड फ्लोर पे तो दो बेडरूम मिले थे, फर्स्ट फ्लोर पे दो बेडरूम, एक आपको मिल रही है किचन, और आपको मिल रहा है पूजा स्पेस प्रॉपर, और अब मैं दिखाना चाहूँगी आपको रूफ। आइए टाइल देख लीजिए आप रूफ पे, बहुत ही खूबसूरत आपको मिल रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे ग्रिलिंग वर्क किया गया है, अभी इस साइड भी जो है रेलिंग हमारा लगने बाकी है। सो गाइज आगे हम अपने घर की छत पे, वाव प्रॉपर देख लीजिए यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत आपको जो है टाइल वर्क मिल रहा है, फुली रेजिडेंशियल एरिया में ये घर रहेगा, अगल बगल आप देख लीजिए प्रॉपर घर है जो बने हुए हैं, ऊपर चाहे तो आप सर्वेंट रूम एज अ सर्वेंट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, ये देख लीजिए जिसमें आपको मिल रही है अटैच वॉशरूम, बहुत ही स्पेशियस बालकनी, ये देख लीजिए, और इस साइड जैसे आपने बार वगैरह बनानी हो तो आप वो भी बना सकते हैं, लाइक अपने अकॉर्डिंगली जो है आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी जो है हमारा ग्लास वर्क लगना बाकी है,
बाकी आप डिजाइनिंग देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत आपको मिल रही है। इस साइड जैसे आप अपने अकॉर्डिंगली इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा 30x75 की डायमेंशन में 250 गज का घर फुली रेजिडेंशियल एरिया में। आज का जो इसका प्राइस है वो है 3,35,00,000 रुपए। अगर आप इंटरेस्टेड है मोहाली में अपने लिए अपना ड्रीम होम बनाने के लिए, तो अगर इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।